हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू अनदर क्लास। ये लाइव स्ट्रीम नहीं है, एक रिकॉर्डेड क्लास है। एक्चुअली क्या हुआ कि जो ऑडियो है हमारी लाइव स्ट्रीम में, वो थोड़ी सी उसमें नॉइज आ रही है, ऐसे क्रैकलिंग या पॉपिंग साउंड आ रही है, जैसे कट कट हल्की सी। पता नहीं मैंने नोटिस किया, वो थोड़ा सा हल्का सा आ रहा है वो कुछ तो। ठीक है, तो मैं ये रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ ये वाली वीडियो। पर इसमें भी कमेंट्स तुम लाइव लाइव चैट कर सकते हैं इसमें, है ना, क्योंकि इसे मैं प्रीमियर करूंगा, तो वहां पे तुम लाइव क्वेश्चंस को आंसर उसके टाइप कर सकते हो। ठीक, मैं इसको चेक करके देख रहा हूँ कि अगर जो प्रॉब्लम है, जो साउंड आ रही है बैकग्राउंड नॉइज, वो मेरे माइक की वजह से आ रही है या फिर यूट्यूब की तरफ से, या लाइव चैट में ही कुछ, वो लाइव स्ट्रीम करने में ही कुछ ग्लिच हो रहा है। ठीक है, वो एक वीडियो मैं ये इसलिए बना रहा हूँ रिकॉर्डेड वाली, हम लाइव ही किया करेंगे, लाइव ही करते हैं हम। ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे चेक करना है कि जो मेरा माइक है वो खराब है, या फिर मुझे नया माइक्रोफोन खरीदना पड़ेगा, या फिर कोई लाइव स्ट्रीम का ही वो कुछ ग्लिच है। तो वो पता चल जाएगा इस वीडियो में, अगर अभी भी वो नॉइज आएगी ऐसे, या कुछ हल्की बहुत अगर साउंड आएगी पीछे, तुमने नोटिस किया हो या नहीं किया हो, लेकिन ऐसे हल्की सी कुछ साउंड आ रही थी, ऐसे आई डोंट नो, ऐसे कट कट हल्का सा ऑडियो ब्रेक हो रही थी वो थोड़ी सी। इतनी ज्यादा नोटिसेबल नहीं है, ईयरफोन लगा के अगर वैसे भी सुनते हैं तो पता नहीं चलता है, लेकिन कहीं कहीं पे वो लग रहा था। तो अगर ऐसे ही रहेगा तो मैं नया माइक मैं ऑर्डर कर दूंगा, जो कि संडे तक आ जाएगा, मैंने कर दिया है वैसे। और इसलिए मैं ये वाली क्लास रिकॉर्डेड करके डाल रहा हूँ, क्योंकि रिकॉर्डेड करने में आवाज जो होगी वो ज्यादा अच्छी रहेगी। ठीक है, बाद में हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी फिर हम लाइव ही क्या करेंगे, बस ये वाली वीडियो हमारी रिकॉर्डेड वाली रहेगी। ठीक है, ओके, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, आज बैकग्राउंड भी ब्लैक है, मैंने भी ब्लैक पहन रखा है, पता नहीं दिख रहा हूंगा या नहीं, लेकिन चलो ठीक है, ओके। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हमने 60 क्वेश्चंस तक कर लिए थे, 60 क्वेश्चन से आगे हम करते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का ये सेकेंड पार्ट है। ठीक, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का ये सेकेंड पार्ट है। इसके बाद एक थर्ड पार्ट और आएगा, जो कि आई थिंक संडे को आएगा, जिसमें कि हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर से रिलेटेड, फिर ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। क्लियर, चलिए। द शेप ऑफ कोरोला में भी, तो कोरोला क्या होता है, लीफ के अंदर जो हमारा कलरफुल वाला पार्ट जो होता है ना, जो पेटल्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसी को कोरोला बोलते हैं। और कोरोला हमारा ट्यूबुलर शेप का भी हो सकता है, फनल शेप का भी हो सकता है, बेल शेप का भी हो सकता है। तो ऑल ऑफ दीज वाला आंसर इसके अंदर हो जाएगा, डी वाला। क्लियर है, ओके। तुम भी लाइव चैट में, चैट लाइव रहेगी, भले ही ये रिकॉर्डेड है, क्योंकि मैं इसको प्रीमियर करूंगा तो लाइव चैट आएगी, वहां पे तुम इसके करेक्ट आंसर टाइप करते रहना। ठीक है, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन द फ्लोरल बर्ड विद रेस्पेक्ट टू द अदर मेंबर ऑफ द सेम होल आर नोन एज। देखो, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन द फ्लोरल बर्ड, फ्लोरल बर्ड के अंदर सेपल्स और पेटल्स यानी कैलेक्स और करोला कैसे अरेंज हैं, उस चीज को हम बोलते हैं एस्टिवेशन। ठीक है, देखो, फ्लोवर कैसे अरेंज होते हैं उस पे, स्टेम पे, उसको हम बोलते हैं इनफ्लोरिसेंस। ठीक है, लेकिन सेपल्स और पेटल्स के अरेंजमेंट को एस्टिवेशन बोलते हैं। ठीक है, ओके, हाइबरनेशन तो अलग होता है, विंटर स्लीप को बोलते हैं, फाइलोटैक्सी उसको बोलते हैं, लीफ के अरेंजमेंट को बोलते हैं इन्फ्लोरिसेंस, फ्लोवर के अरेंजमेंट को बोलते हैं, लेकिन एस्टिवेशन सेपल्स और पेटल्स के अरेंजमेंट को बोलते हैं। ठीक है, सेपल्स और पेटल्स इन अ होल जस्ट टच वन अनदर, सेपल्स और पेटल्स बस एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ओनली टच कर रहे हैं इस टाइप से, मार्जिन पे एकदम। ठीक है, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा जो एस्टिवेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेलवेट एस्टिवेशन बोलते हैं, जो कि हमारा कैलेट्रोपिस के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, लाइव चैट में जो लाइव हम लेते हैं उसमें अलग ही फीलिंग आती है, लेकिन एक वीडियो हमारी ये रिकॉर्डेड वाली रहेगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 64। ट्विस्टेड एस्टिवेशन इज फाउंड इन ऑल एक्सेप्ट, ट्विस्टेड एस्टिवेशन हमारा जो इस टाइप से होता है, इस टाइप से अगर हमें एस्टिवेशन देखने को मिल रहा है, एक के ऊपर एक हमारा अगर ऐसे पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, एक ओवरलैप कर रहा है, एक उसके ऊपर एक जो पंखड़ी है वो दब रही है, दूसरी वाली उसके ऊपर चढ़ रही है, लाइक ऐसे टाइप का पैटर्न बनता जा रहा है, तो ये
इसको बोलते हैं ट्विस्टेड, और ये कॉटन के अंदर चाइना रोज लेडीज फिंगर के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन गुलमोहर के अंदर देखने को नहीं मिलता। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। इफ द मार्जिन ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर, देखो ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, बट नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप नहीं हो रहा है, तो ऐसे एस्टिमेशन को क्या बोलते हैं? अगर ओवरलैप नहीं करते हैं, बिल्कुल मार्जिन पर रहते हैं, तो वेलवेट बोलते हैं। अगर एक कैसे एक के ऊपर एक ओवरलैप करके चलता है, ठीक, इसको ट्विस्टेड बोलते हैं। ठीक है, एक आता है फिर हमारा जो ऐसे उल्टी सीधी डायरेक्शन में ओवरलैप कर रहा है, जिसका कुछ पैटर्न ही नहीं है, पता नहीं किस टाइप से वो चल रहा है ना, तो इस टाइप के को बोलते हैं हम इम्ब्रिकेट। सी वाला आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, और मैक्सिलरी बोलते हैं जिसमें एक बड़ा वाला होता है, दो साइड में ऐसे छोटे होते हैं, फिर और नीचे दो छोटे होते हैं, जो कि दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। ओके, नेक्स्ट, विच इज फॉल्स फॉर वेक्सिलरी और पेपिलिनियोसी एस्टिवेशन। देखो पेपिलिनियोसी एक फैमिली है जिसके अंदर हमें वेक्सिलरी एस्टिवेशन देखने को मिलता है। वेक्सिलरी एस्टिवेशन के बारे में कौन सी बात गलत है वो बतानी है। वेक्सिलरी एस्टिवेशन क्या होता था कि एक तो ऐसे बड़े वाला, उसके नीचे ऐसे छोटे वाला, और एक दो हमारे उसके नीचे और छोटे वाले। इसमें जो बड़ा वाला है, ठीक है, इसको बोलते थे हम लार्ज वाले विंग को स्टैंडर्ड, इन दो को बोलते थे हम विंग्स, और ये जो दो छोटे वाले इनको हम बोलते थे कील, जो कि दोनों जुड़ी हुई है। ठीक है, टू स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स, जो स्मॉलेस्ट है और एंटीरियर है, ये वाला पार्ट जो है ना ये एंटीरियर है, ठीक है, और ऊपर वाला जो है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर। यहां पर तो एंटीरियर वाला जो पोर्शन है ये हमारा छोटा है, छोटे छोटे वाले यहां पे लगे हुए हैं, कील लगे हुए हैं, ये बात ठीक है। लेटरल साइड पे हमारे दो विंग्स लगे हुए हैं, ये भी ठीक है। लार्जेस्ट वाला जो पोस्टीरियर है उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, ये बात भी ठीक है। लार्जेस्ट स्टैंडर्ड पेटल्स एंटीरियर नहीं है भाई, पोस्टीरियर है। ठीक है, डी वाला गलत हो जाएगा क्योंकि एंटीरियर नहीं है, पोस्टीरियर है, तो डी वाला ऑप्शन यहां पर गलत ही बताना है हमको, फॉल्स बताना है, तो डी ही ऑप्शन हमारा ठीक है। क्लियर है, चलो सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग। करेक्ट मैचिंग हमको बतानी है एस्टिवेशन में। देखो वेलवेट एस्टिवेशन हमारा कैसिया के अंदर होता है, नहीं भाई कैसिया के अंदर नहीं होता, ये हमारा कैलेट्रोपिस के अंदर होता है। ट्विस्टेड एस्टिवेशन हमारा चाइना रोज के अंदर होता है, लेडीज फिंगर के अंदर होता है, कैलेट्रोपिस के अंदर नहीं होता, कॉटन के अंदर होता है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन हमारा कैसिया एंड गुलमोहर के अंदर होता है, ये बात हमारी पूरी तरीके से ठीक है। ठीक है, वेक्सिलरी एस्टिवेशन हमारा पी के अंदर होता है, पी के अंदर तो होता है, बीन के अंदर होता है, लेकिन एलोवेरा टर्निप के अंदर नहीं होता। ओके, स्टैमिन कंसिस्ट ऑफ, स्टैमिन हम किसको बोलते हैं? मेल पार्ट को बोलते हैं, एंड्रोसियम को, जो कि मिलके बनता है। नीचे वाला पार्ट क्या है इसमें? फिलामेंट और स्टॉल्क, इसको बोलते हैं स्टॉल्क या फिर फिलामेंट। ऊपर वाला पार्ट है इसका एंथर, ठीक है, ये एंथर है, ये स्टॉक और फिलामेंट है। तो किस किस से मिलकर बनता है? स्टॉक से, स्टिग्मा नहीं होता इसके अंदर, एंथर होता है। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट, एंथर यूजुअली पोजिस, एंथर के पास क्या होता है हमारे? एंथर हमारा इस टाइप से होता है जिसके पास दो लोब होती हैं, और हर लोब के अंदर दो हमारे थीका रहते हैं, दो सैक रहते हैं, तो टोटल हमारे एंथर के अंदर फोर सैक हो गए, है ना, दो लोब है। एंथर क्या होता है हमारा? बाई लोब्ड होता है, और टेट्राथीकस हम इसको बोलेंगे क्योंकि एक लोब के अंदर दो थीका होते हैं, तो टोटल ये चार हमारी सैक्स हो गई इसके अंदर। ए स्टेराइल स्टेमिन, स्टेराइल स्टेमिन को हम क्या बोलते हैं? स्टेराइल स्टेमिन जो कि हमारा एक टाइप से अनफर्टिलाइज्ड है, मतलब अनफर्टिलाइज्ड भी नहीं बोलेंगे, जो कि हमारा गैमिट को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, उसको बोलते हैं स्टेराइल स्टेमिन, जो कि हमारे मेल गैमिट नहीं बना सकता है, उसको बोलते हैं हम स्टेमिनोड। स्टेराइल स्टेमिन इज कॉल्ड स्टेमिनोड। एपिफाइलस स्टेमिन, एपिफाइलस जो स्टेमिन है वो हमें देखने को मिलता है, एपिफाइलस, फाइलस हमें देखने को मिलता है लिली के अंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेरियंथ से जुड़ा हुआ होता है। लिली के अंदर क्या होता है? कैलेक्स और कोरोला सेपरेट नहीं होते हैं, वो एक ही जगह पर जुड़े हुए होते हैं, जिसे पेरियंथ बनता है, और जो हमारा स्टैमिन होता है वो पेरियंथ से जुड़ा हुआ होता है, तो उसको बोलते हैं एपिफाइलस कंडीशन। ओके,
एपिपेटिलस कंडीशन, पेटल से जुड़ा हुआ है, ये हमारा ब्रिंजल इसका एग्जांपल होगा, या फिर पूरी हमारी सोलेनेसी फैमिली है वो एपिपेटिलस ही है। द स्टैमिन्स आर यूनाइटेड इनटू वन बंच, मोनो एडोल्फस की बात हो रही है, लेकिन एक ही हमारे अगर गुच्छे में ऐसे पूरा हमारा स्टैमिन आ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसका एग्जाम्पल है हमारा चाइना रोज 73 का डी वाला हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, डायएडोल्फस कंडीशन इज फाउंड इन, डायएडोल्फस कंडीशन होती है जब दो बंच में हमारे जो स्टैमिन है वो आ रहे हैं, एक एक गट्ठे के साथ आ रहा है और एक दूसरा लगा रहा है, जैसा हमारा पी के अंदर होता है, पी के अंदर नो जो स्टैमिन का गुच्छा आता है वो एक साथ आता है और जो एक आता है वो अलग आता है, 10 होते हैं इसके अंदर टोटल, 9 एक साथ आते हैं और एक हमारा अलग आता है, तो पी हमारा डायएडोल्फस हो गया। अ कार्पल, कार्पेट दे रखा है, कार्पेट नहीं भाई कार्पल होता है, ठीक है कार्पल है, कार्पल कंसिस्ट ऑफ, कार्पल हमारा मिलके बनता है हमारा स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवेरी से, तीनों से, ऑल ऑफ दिस, ठीक है डी वाला हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट कार्पल, कार्पल के बारे में कौन सी बात यहां पे गलत दे रखी है, फर्स्ट इज ओवेरी इज एनलार्ज बेसल पोर्शन, ओवेरी जो होती है वो हमारी बड़ी वाली और बेसल पोर्शन है, ये बात ठीक है, देखो इस टाइप से रहता है, ऊपर वाला पार्ट हमारा स्टिग्मा है, बीच वाला स्टाइल है और नीचे वाला ओवेरी है, तो ओवेरी हमारा बड़ा वाला और बेसल पोर्शन है, ये बात ठीक है, स्टिग्मा यूजुअली टिप ऑफ द स्टाइल है, ये भी बात ठीक है, स्टाइल हमारी इलोंगेटेड ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है, ये भी हमारी ठीक है, स्टाइल इज द रिसेप्टिव सरफेस, नहीं स्टाइल रिसेप्टिव सरफेस नहीं है पोलन ग्रेन्स के लिए, क्योंकि पोलन ग्रेन्स स्टाइल पर आकर नहीं गिरते, वो तो स्टिग्मा पर आकर गिरते हैं, ठीक है, तो डी वाली बात गलत है और गलत ही हमें बताना है, तो डी वाला ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चले आगे चलते हैं, एपोकार्पस कंडीशन इज फाउंड इन, एपोकार्पस कंडीशन हमें किसमें देखने को मिलती है, एपोकार्पस कंडीशन बोलते हैं जब जबकि जो हमारे क्या बोलते हैं कार्पल्स जो होते हैं वो ऐसे अलग अलग होते हैं और अलग अलग कार्पल्स हमें देखने को मिलते हैं लोटस के अंदर, सी वाला हो जाएगा, ठीक है, अगर फ्यूज्ड कार्पल्स होते हैं तो उसे बोलते हैं सिनकार्पस और अगर अलग अलग कार्पल्स हैं तो एपोकार्पस, सिनकार्पस कंडीशन भी आ गया यहां पर, सिनकार्पस कंडीशन हमें देखने को मिलती है मस्टर्ड के अंदर, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल जो होता है वो डेवलप हो जाता है सीड के अंदर, ओवेरी मैच्योर हो जाती है फ्रूट के अंदर, ठीक है, ओवेरी वॉल जो होती जाती है वो फ्रूट वॉल के अंदर चेंज हो जाती है, तीनों बातें यहां पे ठीक है। देखो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जो ओव्यूल होता है अगर हम फीमेल पार्ट बनाए तो इस टाइप से होता है, इस पार्ट को बोलते हैं ओवेरी, ओवेरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स, प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा से ओव्यूल्स लगा होता है, ये ओव्यूल्स आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा सीड में और ये वॉल जो है ओवेरी की ये कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में और पूरी ओवेरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, तो ये बात हमारी सारी बातें तीनों बातें ठीक हैं, तो डी वाला आंसर हो जाएगा इसका, है ना। अरेंजमेंट ओव्यूल्स विद इन द ओवेरी इज नोन एज, ओव्यूल्स का अरेंजमेंट ओवेरी के अंदर, इसको प्लेसेंटेशन बोलते हैं, ठीक है, जैसे ये ओव्यूल्स हैं किस टाइप से अरेंज है, साइडों में करके अरेंज है, बीच में अरेंज है, मार्जिन मार्जिन पे अरेंज है, नीचे से अरेंज है, बेसल पार्ट से अरेंज है, कैसे अरेंज है, उसी चीज को हम प्लेसेंटेशन बोलते हैं। ओके नेक्स्ट देखते हैं, प्लेसेंटेशन दे रखा है, मार्जिनल जो प्लेसेंटेशन होता है वो हमारा पी के अंदर देखने को मिलता है, साइड साइड में ऐसे ओव्यूल लगे हुए होते हैं पी के अंदर, मटर के दाने देखते हैं वो इसी तरीके से ऐसे लगे हुए होते हैं, पैराइटल हमारा प्लेसेंटेशन है जिसमें कि ऐसे साइड में हमारे ओव्यूल लगे हुए हैं, ठीक है, इसमें फोल्स सेप्टम भी बनता है, बीच में ऐसे फोल्स सेप्टम भी बन सकता है, ये हमारा होता है मस्टर्ड में और आर्जिमोन में, ठीक है। सी वाला एग्जाइल जो प्लेसेंटेशन है, एग्जाइल प्लेसेंटेशन जिसमें ऐसे बीच में लाइन लाइन सी होती है, ऐसे जैसे हम टमाटर और नींबू के अंदर देखते हैं जब उसे ऐसे काटते हैं तो उसमें ऐसे बीच में लाइन लाइन सी होती है और यहां से हमारे फिर ओव्यूल्स वगैरह लगे हुए होते हैं, ये हमें देखने को मिलता है टोमेटो लेमन और चाइना रोज में, सी वाले का हो गया फोर। सेंट्रल और फ्री सेंट्रल, ये हमें डाइएंथस एंड प्राइम रोज में देखने को मिलता है और सेंट्रल और फ्री सेंट्रल का डायग्राम होता है ऐसे बीच में हमारे ओव्यूल्स लगे हुए हैं, ठीक है। बेसल वाला आता है हमारा सनफ्लावर और मैरीगोल्ड जिसमें कि नीचे की पार्ट से हमारे ओव्यूल्स लगे हुए होते हैं, ए वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट, ओवरी इज वन चैम्बर बट इज बिकम टू चैम्बर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम इज फाउंड इन। फॉल्स सेप्टम हमें किस में देखने को मिलता है? पैराइटल वाले में देखने को मिलता है, और पैराइटल का एग्जाम्पल है हमारा आर्जीमोन और हमारा मस्टर्ड। अभी पीछे करा ये क्वेश्चन हमने पैराइटल का, मस्टर्ड और आर्जीमोन, ठीक है, ए वाला, क्लियर। अब प्लेसेंटेशन इन विच द ओव्यूल आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस में अगर ऐसे ओव्यूल्स बोर्न है, यानी फ्री सेंट्रल की बात हो रही है, और फ्री सेंट्रल अभी हम करके आए किसमें होता है, ये क्या है अभी हमने, फ्री सेंट्रल किसमें होता है, डाइएंथस एंड प्राइम रोज में होता है, तो डाइएंथस एंड प्राइम रोज इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, क्लियर। चलिए, प्लेसेंटेशन इन विच द प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ ओवरी, बेस पे डेवलप हो रहा है, तो यानी बेसल प्लेसेंटेशन की बात हो रही है, और बेसल प्लेसेंटेशन हमें देखने को मिलता है सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। गुड। फ्रूट, फ्रूट क्या है हमारा, पकी हुई ओवरी को फ्रूट बोलते हैं, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ठीक है। फ्रूट हमारा फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, कभी कभी फर्टिलाइजेशन के बिना भी बन जाता है, जिसको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं, लेकिन जनरली देखा तो फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनता है, ठीक है। ये हमारा फ्लोवरिंग प्लांट में ही हमारे फ्रूट बनते हैं, ये करेक्टरिस्टिक फीचर है, फ्लोवर हैं और फ्रूट हैं वो हमारे फ्लोवरिंग प्लांट में ही होते हैं, ये बात ठीक है, ऑल ऑफ दिस सभी बातें सही है। यानी एंजियोस्पर्म का करेक्टरिस्टिक क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का हमारा, एंजियोस्पर्म के करेक्टरिस्टिक्स में फ्लोवर और फ्रूट तो जरूर आते हैं। विच ऑफ द व्हाट इज द नेम ऑफ द पेरिकार्प व्हेन इट थिक एंड फ्लैसी, अगर पेरिकार्प थिक एंड फ्लैसी होता है तो उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, बाहर वाला पार्ट जो होता है एपिकार्प, बीच वाला पार्ट जो होता है उसको मीजोकार्प, और जो अंदर वाला पार्ट होता है जो सीड से ऐसे कॉन्टेक्ट में रहता है उसको एंडोकार्प। तीनों हमारे पार्ट ये सही है, ऑल ऑफ दिस। इन विच फ्रूट द मीजोकार्प इज फाइब्रस, मीजोकार्प फाइब्रस, फाइबर से बना हुई किस फ्रूट के अंदर होती है, तो कोकोनट जो होता है इसके अंदर मीजोकार्प फाइब्रस होती है, और याद रखो मैंगो के अंदर जो मीजोकार्प है वो हमारी फ्लैशी होगी, मैंगो के अंदर फ्लैशी, कोकोनट के अंदर फाइब्रस। तो मैंगो के अंदर वही क्वेश्चन आ गया जो मैं बता रहा था, मैंगो के अंदर एडिबल पार्ट जो होता है, खाने वाला पार्ट जो होता है वो होता है हमारा फ्लैशी मीजोकार्प, बी वाला ऑप्शन। इन कोकोनट एंड मैंगो द फ्रूट इज नोन एज, कोकोनट और मैंगो ये हमारे मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से बनते हैं, और ऐसे फ्रूट को हम ड्रूप बोलते हैं, क्लियर है। लाइव में अलग ही मजा आता है ना, ये रिकॉर्डेड है, चलो कोई नहीं, ठीक है, ऑडियो प्रॉब्लम थी ना। इफ फ्रूट इज डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो रहा है ओवरीज में, तो ऐसे फ्रूट को हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहा है तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। जैसे अगर बिना फर्टिलाइजेशन के अगर हमारा रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो पार्थिनोकार्पिक। मैंगो इज डेवलप फ्रॉम मैंगो और कोकोनट, ये दोनों ड्रूप के अंदर आते हैं, और ये हमारे मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप करते हैं, मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप करते हैं, यानी बी वाला ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, सीड इज मेड अप ऑफ, सीड हमारा किस किस से मिलकर बनता है, सीड के बाहर सीड कोट होती है जो कि हमारी दो आगे पार्ट में डिवाइड होती है, टेस्टा एंड टैगमेन और एम्ब्रियो, इन दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं सीड को, बाहर सीड कोट होती है उसके अंदर एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के अंदर एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और कोटिलिडोन्स होते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कोटिलिडोन्स। नेक्स्ट, एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ, एम्ब्रियो हमारा मेड किससे मिलके बनता है, अभी बताया एम्ब्रियोनल एक्सिस से और कोटिलिडोन से, एम्ब्रियोनल एक्सिस में ही रेडिकल भी आता है और प्लुम्यूल भी आता है, तो ये भी इसी के अंदर आ गया, सभी बातें सही है। अगर डाइकोट है तो दो कोटिलिडोन्स होंगे, अगर मोनोकोट है तो एक कोटिलिडोन होगा, और मोनोकोट के अंदर जो ग्रासिस फैमिली है वहां पर कोटिलिडोन्स को स्क्वेटलम करके हम बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोनोकोट एक्सेप्ट, इसमें से कौन सा हमारा मोनोकोट है, लेकिन एक्सेप्शन बताना है ना, एक्सेप्ट क्या है, यानी डाइपोट को बताना है, तो वीट मोनोकोट है, मेज मोनोकोट है, सुगर केन मोनोकोट है, ग्राम जो है ये हमारा डाइकोट के अंदर आता है, चने डाइकोट है, दो पार्ट में ऐसे टूट जाते हैं उनके अगर बीज देखोगे तो। द फॉलोइंग आर डाइकोट एक्सेप्ट, इन सब में डाइकोट
दे रखा है लेकिन एक्सेप्ट बता रहे हैं, तो हमें मोनोकोट ढूंढना है। तो बीन जो होता है डाइकोट होता है, ग्राम जो है डाइकोट है, फी डाइकोट है, लेकिन मेज जो है मोनोकोट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डाइकोट सीड, डाइकोट सीड के बारे में कौन सी बातें सही है। माइक्रोफाइल इज प्रेजेंट अबव द हाइलम, हाइलम एक स्कार होता है, उसके ऊपर एक छोटा होल होता है जिसे माइक्रोफाइल बोलते हैं, जो कि ग्रोइंग करने के लिए यहां से पानी वगैरह उसके अंदर जाता है, ये बात ठीक है, सीड के अंदर जब वो जर्मिनेट करता है उस टाइम पर। द एंड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस द रेडिकल एंड प्लिम्यूल इज प्रेजेंट, एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक साइड पे एंड पे प्लिम्यूल होता है, दूसरे वाले साइड पे रेडिकल होता है, ये बात भी हमारी ठीक है। सीड कोट की तीन नहीं दो लेयर होती है, टेस्टा टैगमेन, कोटेलिडोन्स के अंदर फूड मटेरियल रिजर्व होता है, विदाउट नहीं विद आएगा, तो ये भी बात गलत है, ए और बी हमारे सही, तो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड एक्सेप्ट, इसमें हमें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड दे रखे हैं लेकिन हमें एक्सेप्शन देना है, एक्सेप्शन बताना है, यानी एक्सेप्ट मत बोले तो एंडोस्पर्मिक वाला सीड बताना है, ठीक है। बीन ग्राम पी ये नॉन एंडोस्पर्मिक है, कैस्टर हमारा डाइकोट है, लेकिन फिर भी एक्सेप्शन आता है नॉन एंडोस्पर्मिक के अंदर। एल्यूरोन लेयर हमारे मोनोकोट के ऐसे सीड के ऊपर होती है, जो कि एक प्रोटीन की बनी हुई लेयर होती है। एल्यूरोन का मतलब ही होता है, एल्यूरो मतलब प्रोटीन होता है और एल्यूरोन लेयर मतलब प्रोटीन की लेयर। प्लिम्यूल और रेडिकल मोनोकोट सीड के अंदर, ठीक है, इसके ऊपर एक सीथ लगी हुई होती है, प्लिम्यूल के ऊपर लगी हुई होती है कोलियोप्टाइल और हमारे रेडिकल के ऊपर लगी हुई होती है कोलोराइजा। देखो आर फॉर रेडिकल, कोलोराइजा में आर आ रहा है और हमारे क्या बोलते हैं प्लिम्यूल में पी आ रहा है और कोलोप्टाइल में पी आ रहा है, तो कोलोप्टाइल और कोलोराइजा प्लिम्यूल पे लगी हुई होती है कोलोप्टाइल और रेडिकल पे कोलोराइजा, याद रहेगा ये वाला, सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसमें से। मोनोकोट सीड आर जनरली एंडोस्पर्मिक, ज्यादातर मोनोकोट सीड एंडोस्पर्मिक होते हैं, ये बात ठीक है, मोनोकोट सीड के पास फूड मटेरियल रिजर्व रहता है, एंडोस्पर्म होता है, जनरली एंडोस्पर्मिक होते हैं, लेकिन सभी मोनोकोट नहीं होते, जैसे हमारी सनफ्लावर क्या बोलते हैं इसमें मोनोकोट में ऑर्चिड वगैरह जो है वो हमारा नॉन एंडोस्पर्मिक है, तब भी वो मोनोकोट के अंदर आता है, तो जनरली बात हो रही है तो एंडोस्पर्मिक होते हैं, ये सही है स्टेटमेंट। इन मेज द सीड कोट इज द मेम्ब्रेनस एंड इज जनरली फ्यूज विद द फ्रूट वॉल, मेज के अंदर सीड के सीड कोट जो होती है वो मेम्ब्रेनस होती है और जो कि फ्रूट वॉल से ऐसे चिपकी हुई होती है, ये बात भी ठीक है। मोनोकोट सीड हमारे जनरली एक लार्ज शील्ड शेप का कोटिलिडोन्स होता है जिसको हम स्क्वेटिलम बोलते हैं, ये बात भी ठीक है। ऑर्चिड जो है वही बात हो गई, ऑर्चिड जो है मोनोकोट के अंदर आता है फिर भी वो नॉन एंडोस्पर्मिक है, ये बात भी ठीक है, तो इनकरेक्ट तो कोई भी नहीं है इसके अंदर, तो डी वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो लाइव चैट नहीं चल रही ना, तो जल्दी हो रहे हैं शायद, पता नहीं क्वेश्चन में फास्ट चल रहा हूं या तो मुझे ऐसा लग रहा है, पढ़ते रहते हैं तो बच्चों के डाउट्स वगैरह रहते हैं तो देखते रहते हैं। विच फैमिली इज नोन एज पोटैटो फैमिली, पोटैटो फैमिली हम बोलते हैं सोलेनेसी फैमिली को, क्योंकि पोटैटो के नाम में ही आ रहा है, सोलेनेसम ट्यूबरिसम नाम से ही पता चल रहा है ये सोलेनेसी फैमिली का है। अच्छा, फैबिएसी के अंदर जो स्टेम होती है, फैबिएसी के अंदर स्टेम्स हमारी कैसी होती है, इरेक्ट एंड क्लाइंबर होती है, ठीक है। हर्बेसियस रेयरली ब्रीड, ये हमारी सोलेनेसी के अंदर होती है और ये हमारी लिलिएसी के अंदर होती है, ए वाली इरेक्ट सीधी और ऐसे क्लाइम कर करके चलने वाली जो हमारी स्टेम होती है वो फैबिएसी के अंदर देखने को मिलती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया है स्टिपुलेटेड स्टिपुलेट लीव्स, यानी हमें स्टिपुलेट लीव्स इसमें से देख के बतानी है, और स्टिपुलेटेड लीव्स हमारी एक ही फैमिली के अंदर है, वो भी है फैबिएसी फैमिली के अंदर, तो हमें फैबिएसी फैमिली के यहाँ पर एग्जाम्पल बताने हैं। ग्राम जो है वो हमारा फैबिएसी फैमिली में आता है, अरहर भी फैबिएसी फैमिली में आता है, मूंग भी फैबिएसी फैमिली में आता है, ससबेनिया भी इसमें आता है फैबिएसी फैमिली में, ल्यूपिन भी आता है इसमें, मुलहेटी भी आता है, सोयाबीन भी आता है, टोमेटो ब्रिंजल नहीं आता, बेलेडोना नहीं आता, पेट्यूना नहीं आता, तंबाकू नहीं आता, टुलिप नहीं आता, एलोए नहीं आता, है ना, कोलचिचाइन नहीं आता, एस्पार्गस नहीं आता, चिली नहीं आता, ग्राउंड नट आता है, इंडिगो फेरा आता है और सनहेम आता है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 10, ठीक है। टोमेटो ब्रिंजल बेलेडोना पेट्यूना तंबाकू ये सब आते हैं उसके अंदर सोलेनेसी फैमिली के अंदर, चिली भी सोलेनेसी फैमिली के अंदर आता है, टलिप एलोए कोलचिकाइन और ये एस्पार्गस ये लिलिएसी फैमिली के मेंबर है।
सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर, इसमें से गलत बात बतानी है। इंडिगो पैरा जो कि फेबियसी फैमिली का, यहाँ पे सेपल्स 5 होता है जो कि गैमोसेपिलस है, यानी ऐसे वो हमारे सेपल्स क्या बोल सकते हैं कि ऐसे अलग अलग है। कोरोला वेक्सिलरी एस्टिवेशन है क्योंकि हमारे फेबियसी फैमिली में वहां पे वेक्सिलरी एस्टिवेशन होती है, ये बात ठीक है। ब्रिंजल हमारा सोलेनेसी फैमिली में, और सोलेनेसी फैमिली में सेपल्स हमारे यूनाइटेड होते हैं, परसिस्टेंस होते हैं, वेलवेट एस्टिवेशन होता है, यहां तक बात ठीक है। पेटल्स 5 होते हैं, यूनाइटेड होते हैं और वेलवेट एस्टिवेशन होता है, ये बात भी ठीक है। एस्पार्गस, एस्पार्गस लिलियसी फैमिली में आता है जिसमें सेपल्स 3 होते हैं। एस्पार्गस जो है लिलियसी फैमिली में, और लिलियसी फैमिली में सेपल्स और पेटल्स वर्ड का यूज नहीं करते हैं, वहां पर पेरियंथ वर्ड का यूज करते हैं, तो इसलिए सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें एस्पार्गस लिलियसी फैमिली का है, लिलियसी फैमिली में तो पेरियंथ होता ही नहीं है, वहां पे तो कैलेक्स और कोरोला एक साथ फ्यूज होता है, तो उससे तो पेरियंथ बनता है, सेपल्स और पेटल्स एक साथ फ्यूज होकर पेरियंथ बना लेते हैं। कोलचिकाइन ये लिलियसी फैमिली का, पेटल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं टेपल्स में, इस बात सही है, सी वाला गलत है क्योंकि यहाँ पे सेपल्स दे रखा है इसलिए ये गलत है। ओके, इसमें से बताना हमें ट्राइकार्पिलरी गाइनोसियम इसमें से कौन कौन सा है। ट्राइकार्पिलरी गाइनोसियम यानी हमारी बात हो रही है किसकी, लिलियसी फैमिली की, G3 हमारी किसके अंदर है, लिलियसी फैमिली के अंदर है ना भाई, तो लिलियसी फैमिली हमारी ग्राम नहीं है, अरहर नहीं है, मूंग नहीं है, ससबेनिया नहीं है, ल्यूपिन नहीं है, मुलेहटी नहीं है, सोयाबीन नहीं है, टोमेटो नहीं है, ब्रिंजल नहीं है, बेलाडोना नहीं है, पेट्यूना नहीं है, तंबाकू नहीं है, टुलिप है, एलोय है, कोल्चिकाइन है, एस्पार्गस है, चिली नहीं है, ग्राउंडनट नहीं है, इंडिगो फेरा नहीं है, सनहम नहीं है। देखो इन फैमिलीज का एग्जांपल याद करने जरूरी है और ये लिखोगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है, इतने हार्ड नहीं है। टुलिप, एलोय, कोल्चिकाइन, एस्पार्गस, एक बार मतलब 10 बार अगर तुमने ये लिख लिया ना तो फिर तो तुम इन्हें भूल नहीं पाओगे, नाम तुम्हारे खुद सामने आएगा ना तो खुद ही दिमाग में आएगा, दिल में फीलिंग आएगी कि भाई ये तो इस फैमिली से बिलोंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, सुन के ही ऐसा लगता है कि टुलिप लिली ऐसी फैमिली का है। 4 इसका एग्जाम। सेलेक्ट द फॉलोइंग टोटल नंबर स्टेटमेंट्स एपीपेटिलस स्टेमिस। एपीपेटिलस की बात हो रही है यानी एपीपेटिलस हमारा सोलेनेसी फैमिली की बात हो रही है। सोलेनेसी फैमिली किस किसके अंदर आती है, ग्राम नहीं है, अरहर नहीं है, मूंग नहीं है, ससबेनिया नहीं है, ल्यूपिन नहीं है, मुलेटी नहीं है, सोयाबीन भी नहीं है, टोमेटो है, ब्रिंजल है, बेलाडोना है, पेट्यूना है, तंबाकू है, टुलिप नहीं है, एलोए नहीं है, चुलचिकाएं ये नहीं है, एस्पार्गस नहीं है, चिली नहीं है, चिली है हाँ, ग्राउंडनट नहीं है, इंडिगो फेरा नहीं है, सनहेम नहीं है। कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 इसका आंसर हो जाएगा, बी वाला आंसर है इसका 6 करेक्ट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करने में जब मजा आता है ना, पूरा एग्जाम्पल यूज हो रहे हैं। द फ्रूट ऑफ लिलियसी फैमिली इज मेनली, लिलियसी फैमिली में जो फ्रूट आता है उसको हम बोलते हैं कैप्सूल, और कभी कभी बेरी करके भी इसके अंदर फ्रूट आते हैं, ठीक है, लेकिन कैप्सूल मेनली आते हैं। सेलेक्ट द डाई फ्रॉम द फॉलोइंग, डाई इसमें से बतानी है, इंडिगो फेरा डाई है जो नील होता है, इंडिगो फेरा वो हमारी इसके अंदर आता है, ये हमारा फेबियसी फैमिली से बिलोंग करता है। इनकरेक्ट मैचिंग बताना है, गलत मैचिंग हमारे यहाँ पे क्या है, ऑर्नामेंटल सजावट के लिए टुलिप ग्लोरेसिया, ये एक ही नाम है, ग्लोरेसिया आ गया इसके अंदर, ल्यूपिन आ गया, स्वीट पी आ गया, पेट्यून आ गया, ठीक है, मुलेटी, बेलाडोना, एलोए ये मेडिकल वर्ड में यूज होते हैं, दवाइयां वगैरह बनती हैं इनसे, फोर्डर जिनको गाय भैंस बकरी खाते हैं, ससबेनिया ट्राइफोलम ये चारा होते हैं ये खाते हैं इनको, हर्बीवोरस, एडेबल ऑयल सोयाबीन से ऑयल्स बनता है, एडेबल ग्राउंडनट से बनता है, कोल्चिचिन इससे एडिबल ऑयल नहीं बनता है, एक केमिकल बनता है इससे, और ये हमारा केमिकल इसको माइटोटिक पॉइजन करके बोलते हैं, और ये केमिकल दर्द वगैरह की जो ट्यूब वगैरह आती है उसमें यूज होता है लाइक काफी, तो ये डी वाला गलत है क्योंकि ये एडिबल ऑयल तो नहीं है कोल्चिकाइन। टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो बिलोंग टू द फैमिली, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो सब हमारे सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, 110 ही क्वेश्चन थे, हमने कर लिए, आई होप काफी जल्दी कर लिया हमने ये, या जैसे भी किए हैं हो गए। ये हमारी रिकॉर्डेड वाली वीडियो थी, वंस अगेन आगे से रिकॉर्डेड वीडियो नहीं आएगी, ये बस एक वीडियो थी जो कि एक एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए बनाई गई है, जिसमें कि मैं देखना चाह रहा था कि मेरा माइक खराब है या क्या प्रॉब्लम आ रही है जो हमारी ऑडियो ऐसे बेकार हो रही है, बस इतनी बेकार भी नहीं है लेकिन कुछ तो था उसमें, है ना, आई डोंट नो, हल्का हल्का, या तो ऐसा हो सकता है कि
यूट्यूब पे मैं स्ट्रीमिंग करता हूँ अल्ट्रा लेटेंसी मोड पे, ठीक है, अल्ट्रा लो लेटेंसी, तो शायद उससे कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, या देखते हैं हम अगला। मैंने माइक ऑर्डर कर दिया है, फिर नहीं आएगी, और आवाज आवाज भी, फिर बैकग्राउंड नॉइज भी बहुत कम हो जाएगी उस माइक से, संडे तक आ जाएगा। चलिए यहीं पे एंड करते हैं हम इस वीडियो को, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।